हेलो गाइस, मैं हूं लकी पंवार और मैं आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने वाला हूं जिसमें मैं अपना होम टूर आपको दिखाऊंगा और ये कोशिश करूंगा कि आप एक अच्छा घर 30 लाख के बजट में कैसे बना सकते हैं। और मैं आपको इस घर के बारे में ए टू जेड चीज़ें बताऊंगा कि मैंने क्या चीज़ कहाँ से कैसे और कितने में क्या कॉस्ट पड़ी मुझे हर चीज़ की, ताकि आप एक अच्छा घर बिल्ड कर सकें 2022 के मॉडल पर। जैसे कि आप देख सकते हैं इस घर को कि मैंने इसमें मतलब कैसे यूटिलाइज़ किया है हर चीज़ को। और आप देख सकते हैं जो जितने भी आसपास के घर हैं ये सब 10 से 15 साल पुराने मॉडल के हैं और मैंने उतने ही बजट में जितना ये लोग यूज़ करते हैं एक अच्छा मॉडर्न लुक देने की कोशिश की है। ये मैंने 2022 के बेस मॉडल पे बनाया है और इसको पूरा बनने में एक साल लगी है। सो मेरे दोस्त को ये घर काफ़ी पसंद आया था तो उसने मुझे ये एडवाइस दिया है कि ये घर बना के मैं एक अच्छी वीडियो बना सकूँ, ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि इतने कम बजट में भी कोई इतना अच्छा घर कैसे बना सकता है। तो मैं इस चीज़ को एक वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले मेरा घर ऐसा था कुछ और मैंने पूरे से रिकंस्ट्रक्ट कराया है। और क्योंकि मुझे इसका आइडिया कहाँ से आया, मैं मोहाली गया था चंडीगढ़ में, वहाँ पे काफ़ी सारे बंगलोज थे और मैंने उनका डिज़ाइन कुछ यहाँ वहाँ से कुछ यहाँ मेरठ शहर से ही कुछ कुछ थोड़ा कॉपी किया और उसे रिकंस्ट्रक्ट करके एक पूरा एक प्लान तैयार किया ताकि मैं इसे पूरा एक अच्छा लुक दे सकूँ। क्योंकि वो जो बंगलोज थे वो 1000 स्क्वायर फीट में थे, 2000 स्क्वायर फीट में थे, मैंने उसे पूरा मर्ज करके एक पूरा एक नया लुक दिया है। ये 150 गज का है और इसे मैंने पूरा लुक दिया है। तो चलिए घर के अंदर और आपको दिखाता हूँ सब कुछ कैसे क्या है, आप आ जाओ देखिए। सो गाइस, जो एक गेट है, इस गेट में जो शीट है ये MDF शीट है। इस शीट में हम 10 साल की वारंटी है और इस शीट पे कोई भी धूप की वजह से इसका कलर नहीं फेड होगा। एंड जो इसका ये मिरर है, ये मिरर फेडेड मिरर है तो इसे एक अच्छी क्लासी लुक देता है। और ये गेट है, अंदर से लोहे का है बट बाहर से फील नहीं होगा कि ये लोहे का है या फिर ये स्टील का है। और यहाँ पे मैंने इस पर बहुत काफ़ी पैसे सेव किए हैं क्योंकि ये पूरा अगर स्टील का बनवाता मैं तो ये करीब करीब 90,000 का बनता, बट ये लोहे में ही ये 25,000 का बन गया। एंड देन मैंने इसे एक स्टील का लुक दे दिया है। ऐसे एक स्टैंड जो इसका है, ये बाहर की साइड जो स्टैंड है इसकी वजह से लगता ही नहीं कि ये लोहे का है या फिर स्टील का है। इस पूरे गेट पे खर्चा आया है करीब करीब 35,000 का, क्योंकि जो शीट है ये 10,000 की ही है, ठीक है। और ये शीशा है ये तो शायद 700 से 800 रुपये का आ गया था। सो गाइस, अब चलते हैं मेन गेट की तरफ। और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो टाइल्स हैं, ये ग्रुप वाली टाइल्स हैं जो कि मैंने यहीं से लिए मेरठ से। और ये जो विंडो है ये एल शेप विंडो है, जो कि अब इसका नया लुक चला है क्योंकि ये कॉर्नर वाली विंडोज़ होती हैं, ठीक है। और इसमें मैंने शीशा लगवाया है और ये पूरा वुडन का वर्क हो रखा है क्योंकि ये वुडन पे ही होती है। और चलिए चलते हैं। और मैंने इसे एक हॉर्स हैंडल दिया है तो ये क्लासी और रॉयल लुक देता है। एंड हाउस इट इज़, एंड आइए चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं मंदिर से, आइए मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। और ये हमारा मंदिर है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई है, जो पूरा ये काम हमारा कारपेंटर ने ही किया है, अराउंड कॉस्ट शीट की ही अकेले की शायद समथिंग अराउंड 6,000 थी, जिसकी कटिंग का चार्जेस है वो ज़्यादा है, शीट तो 700-800 रुपये की ही आ जाती है। एंड ये आर्च है, इस आर्च को माइका से कवर किया हुआ है क्योंकि इस पर पॉलिश मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। ये ड्राइंग रूम है एंड इसके ऊपर भी हमने जो माइका शीट लगवाई है और इसके ऊपर एक पेंट होगा, अभी वो रह रहा है, कुछ चीज़ें रह रही हैं। और यहाँ पे हमने एक वॉश बेसिन लिया है ताकि कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है तो उसको अंदर बाथरूम में जाने की ज़रूरत ना पड़े और वो यहीं पे अपना हाथ धो सके जो भी है। और यही है। और मैंने इस पूरे घर में फोर सीलिंग कराई है, इसकी अराउंड कॉस्टिंग ही 1.5 लाख आई थी, बट इट गिव्स अ फैबुलस लुक। या दिस इज़ दी फोर सीलिंग एंड ये हर रूम में, बालकनी में, हर जगह पे फोर सीलिंग हुई हुई, इसमें अराउंड कॉस्टिंग 1.5 लाख आई थी। एंड ये है हमारी टीवी यूनिट एंड दिस इज़ अ प्लेन शीट माइका। और यहाँ पे बॉक्सेस हैं ताकि इसमें हम टीवी के रिमोट्स वगैरह कुछ भी रख सकें। ये ड्रॉर्स हैं इसमें काफ़ी सारे, जो काफ़ी सामान यूटिलाइज हो सकता है इन्हें यूज़ करके। और यहाँ पे हमारा सेटअप बॉक्स एंड इसके ऊपर भी जो ये पिलर्स हैं हमारे, इनके ऊपर अभी पेंट होना रह रहा है क्योंकि उस पर दूसरे वाले पे भी रह रहा है, तो हमने सोचा एक साथ करा देंगे क्योंकि अभी ये काम एक हफ्ते पहले ही फिनिश हुआ है। और जो ये जो हमारी चौकट है ये लोहे की है ताकि इस पर मतलब जो टर्मिनाइट होता है वो ना लगे और ये चौकट ख़राब ना हो। एंड
ये बीडिंग है, ये लकड़ी की है। यहाँ पर ये रूम है हमारा, स्टार्टिंग रूम है, छोटा रूम है, इसमें बच्चों के लिए है ये रूम। और ताकि ये वॉलपेपर लगवाया है हमने इस पर, एंड अभी फ़िलहाल तो किसी चीज़ से यूटिलाइज नहीं हो कर पा रहे हम इसे, क्योंकि अभी तो बन के तैयार हुआ है। और ये जो हमारे गेट हैं जितने भी यूज में, पूरे लकड़ी के हैं, बोर्ड के गेट नहीं है। एंड दिस इज दिस गेट, और ये हमारी सेफ है, और पीछे सेफ के लिए यूटिलाइज हो रहा है। और ये बाथरूम है, एंड बाथरूम में भी फोर सीलिंग है। आइए, तो दूर पे दो रास्ते हैं जाने के। हाँ, ये दो रास्ते हैं। और ये हमारा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम ग्राउंड फ्लोर का, और इसमें भी ऊपर फोर सीलिंग हुई हुई है। और यही इसमें है। और हमने ये एक पूरा घर होने वाला है, तो हमने इसका जो किचन है वो ऊपर यूज़ की हुई है, क्योंकि इसमें कोई सेपरेशन नहीं होगा और ये पूरा एक ही फैमिली के लिए बना है। सो अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और दिखाता हूँ मैं आपको कि हमने वो कैसे कैसे बिल्ड किया है। और अगर बात करें अपने स्टेयर्स की, तो यहाँ पे वॉलपेपर लगना रह रहा है इस वॉल पे, क्योंकि ये बच्चे गंदे कर देते हैं वॉल और ऊपर जाते हुए। तो मैंने इसे इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसमें ग्रास और ये वुडन पैनल बना दिया है, जिसमें कि इस दीवार पर पूरा वॉलपेपर रहेगा और इसमें अंदर की साइड लाइटिंग है। ठीक है, सो गाइस, ये स्टेयर्स लाइट होती हैं, जो कि रात को जब पूरे घर में अंधेरा होता है तो ये जलाते हैं, ताकि हम मतलब स्टेयर्स पर कोई दिक्कत ना आए, और इट्स शोज अ वेरी फैबुलस लुक इन द नाइट। ओके, और गाइस, ये टाइल्स हैं और ये स्टोन लुक देती हैं। और ये मैंने इसमें तीन ब्लॉक्स दिए हैं, ब्लॉक्स डिज़ाइन है इसके अंदर। इसके अंदर कोई लाइट नहीं है, बट इट्स लुक वेरी प्रिटी। एंड ये हमारा फर्स्ट फ्लोर, और ये जो वॉल है फुल ऑफ वुडन है, ये पूरा वुड है। और इसके ऊपर माइका है, और ये गोल्डन शीट है माइका की, और मैंने इसे खुद ही डिज़ाइन किया है। सो so, इसकी कॉस्ट करीब करीब 25,000 की है। तो एक तरीके से पूरा घर जो है एकदम खुला खुला फील होगा। हाँ, पूरा खुला खुला। हमने इसमें रूम्स ज़्यादा अटैच नहीं किए हैं, हमने जितना सोचा है कि पूरा खुला खुला रहना चाहिए। नीचे भी दो ही रूम्स थे, ऊपर भी दो ही रूम है। उसकी जो किचन है, किचन के लिए मैंने यहाँ पे एक मिरर कवर्ड रखी है, ताकि इसके अंदर अपने ग्लासेस वगैरह रख सकें, और थोड़े बहुत जार्स भी। एंड मैंने इसे खुद ही लुक दिया है, और ये मैंने स्टैंड्स बनवाए हैं इसके, ताकि ये थोड़ी जगह यूटिलाइज हो सके और एक पार्टीशन टाइप बन सके, क्योंकि यहाँ पे रिलिंग लगाने से अच्छा था कि मैं इसे पार्टीशन कर सकूँ किसी तरीके से। और इसे मैंने पूरा मॉडर्न लुक दिया है। और यहाँ पे हम पेंट्री भी है इसके अंदर, देखिए। एंड सो गाइज, इसमें जो सेम ड्रॉर्स रहती हैं वही हैं, और इसमें हम जितनी भी तेज मारेंगे ये स्लोली जाएंगे अंदर, टाइट नहीं लगेंगी। एंड इसमें कुछ खास ही है, और ये हमारी चिमनी है, और इसका जो धुआं है वो पीछे जाल में से ऊपर चला जाता है। ये कवर्ड्स काफ़ी सारी हैं, काफ़ी हर तरीके से हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और देख लीजिए, कितना भी कुछ भी। और हमने यहाँ पे एक आरओ के लिए फुल ऐसे रखी है कि ताकि आरओ अंदर रह जाए और कुछ किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। और यहाँ पे जो बर्तनों का स्टैंड है वो भी एक अलग से दिया गया है, ताकि जो गीले बर्तन है उस पर रखें और नीचे सारा उसका पानी जाए। सेकंड रूम ये है, एंड दिस इज ऑल्सो अ मास्टर बेडरूम, और हमने किसी तरह से इसे ऐसे यूटिलाइज किया है। और ये बेड है और एसी वगैरह हमने इस तरह से, इसकी एसी की जितनी भी घर में फिटिंग है सब अंडरग्राउंड है, और कोई भी वायर किसी तरह का एसी का, कोई एमसी, सब कुछ अंदर ही है बोर्ड्स में। और हर बेडरूम के साथ एक बाथरूम अटैच है, जैसे सेम ऊपर है, बट ऊपर किचन है, और यही है। और यहाँ पे हमारी सेफ है, और सेम बाथरूम यहाँ पे। तो पूरे घर में कितने बाथरूम है? पूरे घर में 1, 2, 3, 4 बाथरूम है। तो एक नीचे हो गया, हाँ, और दो बीच में हो गए, और हाँ, एक ऊपर हो गया, तो चार बाथरूम है। हाँ बिल्कुल, दो मिलते हैं। तो ये बेडरूम है, कुछ ये बेडरूम है, तो काफी ज्यादा बड़ा एरिया है। इसमें आप डबल साइड का बेड लगा सकते हैं, और इजिली कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये डाइनिंग रूम है सारा, और यहाँ पे आप बड़ी मेज टेबल लगा सकते हैं, डाइनिंग टेबल, और फिर उसमें आप यहाँ पर लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो करना चाहें वो कर सकते हैं फैमिली के साथ। और काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया देखने को मिल जाता है। और ये हमने जो जगह ऊपर फोर सीलिंग में छोड़ी है झूमर के लिए छोड़ी है, अभी वो अटैच नहीं है, उसके लिए जगह हमने रख रखी है। ये इसमें स्क्वायर
स्क्वायर झूमर आएगा, वो काफ़ी सुंदर लगेगा, वो चीज़ें अभी लगने पर है रही हैं। और ये है मोस्ट फेवरेट रूम जो कि मेरा ही है। सो मैंने इसे ये वॉलपेपर का लुक दिया है एंड इट लुक वेरी ओसम फॉर मी। एंड ये एसी का अभी लगना रह रहा है इसमें, तो ये भी होगा। और ये विंडो काफ़ी अंदर लाइटिंग आ जाती है इस चीज़ से, और ये विंडो यहाँ से ओपन भी होती हैं, तो वेंटिलेटेड है फुल। और मैंने यहाँ पे जाली का गेट दिया है ताकि पूरी हवा अंदर आ सके। और यहाँ भी और ये बाथरूम है मेरा, और सो बाथरूम का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है, इसमें हम नहा सकते हैं काफ़ी अच्छे से। सो गाइज ये है बालकनी, और यहाँ पे भी बाहर एक जाली का गेट है ताकि मच्छर वच्छर की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये हमारा लकड़ी का गेट है, ये हमारी बालकनी है, इसमें हमने कजारिया की टाइल्स लगवाई हैं ताकि यहाँ पे एक अलग ही वुडन लुक आए। और यहाँ पे भी पूरी टाइल्स कवर कराई हैं क्योंकि हर 2 साल बाद पेंट कराना थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो फ्रंट लुक बहुत अच्छा होना चाहिए उसके लिए। और गाइस यहाँ एक यहाँ पे भी मैंने एक सीएनसी शीट यूज़ करी है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। जैसे कि मैंने कटिंग जहाँ मंदिर की शीट की कटिंग कराई थी वहीं पे इसकी कराई है। इसकी अराउंड कॉस्ट लगने के बाद करीब करीब 5,000 की आई थी। यहाँ पे चेयर डाल के आराम से बैठ सकते हैं, और यहाँ पे फोल्डिंग भी आ सकता है, चेयर आ सकती है, और यहाँ पे काफ़ी खुला लगता है। और बिल्कुल भी घर ऐसा नहीं बनाया कि बिल्कुल दम घुटता है जैसे फ्लैट्स वगैरह में। सो बहुत एकदम खुला और एकदम इंजॉयबल आप कर सकते हैं बिल्कुल। और ऊपर जो ये पिलर्स हैं इसके ऊपर मैंने ट्रांसपेरेंट शीट रख रखी ताकि यहाँ पे बारिश के टाइम पे बैठ सके आराम से, बारिश का भी मज़ा ले सके। तो यहाँ पे बारिश का पानी बिल्कुल कोई आता नहीं है, और लाइटिंग पूरी रहती है, ट्रांसपेरेंट शीट का कुछ यही फ़ायदा है। अब गाइज ऊपर चलते हैं, ये हमारा टेरिस होगा, और टेरिस पे भी एक रूम दिया गया है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। और हाँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो सेम टाइल्स नीचे यूज़ की हुई है वो भी यहाँ की हुई है, सेम जो फ्लोर लाइट है वो यूज़ की हुई है, बट यहाँ पे मैंने वुडन का फ्रेम बनवाया है। इसके ऊपर माइका है, गोल्डन माइका और ब्राउन माइका, इसके बीच में ग्रास है जो कि आर्टिफिशियल ही है, बट इसको मैंने कुछ इस तरह से लुक दिया है, ग्रासी लुक है, और इट ये एक अच्छा लुक देता है घर में, एक मॉडर्न लुक जिसे कहते हैं। सो आइए, सो गाइज ये हमारा टॉप फ्लोर है, इसके ऊपर एक फ्लोर है बट वो एक टेरिस है, ठीक है, उस पर हम जाते हैं। बट ये हमारा यहाँ पे सर्वेंट रूम है एक, ताकि सर्वेंट्स के लिए भी एक रूम बना सकें। इस तरह से हमने इस जगह को ऑक्यूपाई किया है, और यहाँ पे एक अलग से बाथरूम भी है, और मैं दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे हमने सारा स्पेयर जो हमारा सामान है, जो हमारा मतलब यूज़ हुआ था पेंट का, लकड़ी का, जो भी है वो यहाँ पे रख रखा है, अभी फ़िलहाल हमने इसे ऐसे ही ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो ये हमारा पीछे का ओपन एरिया है, यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए पूरी फैसिलिटी है, और धूप सेकना चाहो यहाँ पे, हम रात को हाथ भी सेक लेते हैं। हाँ, और ये बाथरूम दिखा दे, और इसके साथ सर्वेंट रूम के साथ एक बाथरूम भी है, और ये काफ़ी बड़ा है, बाकी बाथरूमों से काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ऊपर का स्पेस है तो हमने सोचा कि जितना भी कर सकते हैं करें। और ये बाथटब है, तो बाथटब बड़े वाला सकता है। हाँ बिल्कुल, काफ़ी। और ऊपर जाना चाहो सीढ़ी है इसके लिए, हाँ इसके लिए भी सीढ़ी है, बट हमने लोहे की सीढ़ी इसकी बनने के लिए दे रखी है, वो आएगी तो अब यहाँ से वो लग जाएगी, अब फिर ऊपर भी जा सकते हैं, फिलहाल तो हम जाएंगे नहीं। तो कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा आपको आसपास के घरों का। तो सबके घर आपको ऐसे दिखेंगे जो पुराने मॉडल्स का आते हैं, पर अभी जो यहाँ पर घर बना हुआ है आपने देखा कितना यहाँ पर मॉडर्न तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, और साथ में जितनी भी नेसेसरी चीज़ें थी वो इसमें लगाई गई हैं, ऐसी कोई फालतू चीज़ इसमें नहीं लगाई गई जो आपको यूज़ में ना आए, और आपका जो पैसा है वो आपको बचेगा, साथ में आपका जो मॉडर्न घर है ना उसकी तारीफ तो आपको अलग ही मिलेगी। सो ये ग्रिल में वही शीट है जो कि हमने गेट में यूज़ की थी, इसका इस शीट का सिर्फ यही फ़ायदा है कि इस शीट का कभी भी धूप से रंग नहीं उड़ता है, जो हम बाकी शीट लगवाते हैं अपने गेट्स पे, रेलिंग्स पे, अगर हमने ये डिज़ाइन दिया है तो उनका कलर फेड हो जाता है, और उस वजह से वो बहुत भद्दी लगती हैं। इसके अंदर बीच में एक टफन ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, टफन, इट्स अ टफन ग्लास, और ये 12 mm का ग्लास है, और ये वही शीट है जो गेट पे है। और यहाँ पे भी हमने वही पिलर्स यूज़ किए हैं ऊपर की साइड, और इन पिलर्स में हर एक पिलर में दो दो लाइटें दी गई हैं, और सेम टाइल्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं इसके फ्रंट सर्वेंट रूम के बाहर, ताकि एक अच्छा लुक दे।
और यहाँ पे भी ग्रुप टाइल लगाई गई है, चूंकि इन ग्रुप टाइल के बीच में स्पेस होता है। अगर दीवार में कभी, वैसे तो ऊपर की साइड सीलन नहीं आती, बट अगर ग्राउंड फ्लोर पे सीलन आती है तो वो सीलन यहाँ से बाहर आ जाती है और साफ हो जाती है। इन इस टाइल्स का ये फायदा है। सो गाइज, इसका फाइनल प्राइस अप्रोक्स बताना चाहूँगा तो 32 से 30 के बीच में पड़ा है मुझे घर पूरा कंप्लीट। अभी सामान तो अभी नहीं है क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले ही पूरा हुआ है। तो गाइज, जो ये यहाँ पे घर बने हुए, जो मेरा पड़ोसी का घर है, वो सब नीचे आ चुके हैं सब, मतलब उनका जो लेवल है वो रोड से मैच कर चुका है। उसकी वजह से बारिश का पानी अंदर आता था और काफ़ी परेशानियाँ होती थी। तो मैंने ये घर पूरा 4 फीट उठवाया है जैक से, उसके बाद ही हाउस बिल्ट हुआ है। क्योंकि पहले 2 फ्लोर्स बने हुए थे इस पर, एक टेरिस था, एक मिडल था, एक ग्राउंड था। तो बट वो पूरा यूटिलाइज हो चुका है, उसमें से काफ़ी तुड़वाया था क्योंकि उसके अंदर हमने वॉल्स जो निकाली हैं कभी कोई कहीं रिप्लेस की है, तो वो समझिए कि मतलब उसमें ही वो कोस्टिंग आ गई है, मतलब वो बिल्कुल बराबर हो चुका है। बट हाँ, अगर आप नया घर बनाते हैं ऐसा ही बिल्कुल, तो आपको अप्रोक्स 42 पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और मैं तो कहूँगा कि आप एक एक इंच अपने घर की बिल्कुल यूटिलाइज़ करिए, और मैंने जिस तरह से करा है आप भी ऐसे कर सकते हैं। मैंने जगह जगह पे जाके लोगों का घर देखा है और उसके बाद ही कोई फैसला लिया है, हर चीज़ को कहीं से कुछ लिया कहीं से कुछ, तो फिर ये जाके मैंने घर बनाया है। और मोहाली में जो चंडीगढ़ है, मोहाली में मैंने देखे थे काफ़ी, तो मैं वहाँ से काफ़ी इंप्रेस हुआ था और मैंने घर आके प्लान बनाया था कि हमें घर उठवा के बना लेना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा और हम मतलब सब यहीं पर बड़े हुए हैं और हमारे यहाँ से जाने का मन नहीं था। तो हमने सोचा कि इस घर को ही क्यों ना हम पूरा तोड़ के एक नया घर बना सकें। इस घर की मैं एक नाइट की फ़ोटो भी डाल दूंगा, आप देखिएगा और बताइएगा कि वो नाइट व्यू कैसा लग रहा है। मैंने इस घर में काफ़ी सारी लाइटिंग यूज़ की है, तो दिवाली पे काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे बाकी लाइटिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बट ये काफ़ी एक औसम लुक देता है रात के टाइम पे। सो गाइज, आप बताइएगा कि ये घर आपको कैसा लगा, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे दीजिएगा, मैं बिल्कुल उसे अपने एक कंसिडर करूँगा। और प्लीज़ सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू।